आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नमस्कार मैं डॉक्टर मर्यूसा इस देश की एक आम नागरिक एक औरत आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूं। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूं। पिछले ढाई महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है इस आग की लपट में डेढ़ से अधिक लोग आ चुके हैं जिनमें पुरुष महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार की डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं कुकी जनजाति की दो महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैते मर्द एक मैदान में ले जाते हैं उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं आप भी एक महिला है एक आदिवासी महिला है इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुई हिंसा को देखता आ रहा है आप भी जानती है आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था फिर आप चुप क्यों है आपके पास वो अधिकार है वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है आम आम नागरिकों में नहीं है आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो? शायद आप के कहने से दुनिया में बचते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन दो कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते या याद आ जाए कि यह तो इंसान का है औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन दो कुकी महिलाओं के लिए जो उन सौ आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल बुजदिल फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई मणिपुर को बचा लीजिए वहां की औरतों को बचा लीजिए अब आप ही कुछ कर सकती हैं